Assalamualaikum viewer, हम आए हैं साईं फ्राइज पर। व्यूअर्स, आज हम आए हैं हैदराबाद के बहुत ही टेस्टी फ्राइज खाने, जो आपको दिए जाते हैं सिंगल प्लेट 50 रुपए की और डबल प्लेट 100 रुपए की। जी, ये इनका किचन है जहाँ पे ये फ्राइज रेडी हो रहे हैं, आप देख सकते हो। वैसे तो मैंने बहुत बार इनके फ्राइज खाए हैं, लेकिन वीडियो आज पहली बार बनाई है। अच्छा जी, जब तक हमारे फ्राइज बनते हैं, आपको इनका सिटिंग एरिया विजिट करवा देते हैं। ये इनका सिटिंग एरिया है। अच्छा, इनके फ्राइज टेस्टी होते हैं बहुत, लेकिन मैं कहूँगी जब ऑनर खुद होते हैं ना, शिराज भाई, वो जो बना के देते हैं उनका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। जी, यहाँ पे फ्राइज के साथ साथ आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएगी। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने फ्राइज देखने। जी, ये रहे हमारे गर्मा गर्म फ्राइज। सामने आपको मसाला और सॉसेज वगैरह नजर आ रही होंगी। ये डिफरेंट टाइप के मसालास डालते हैं, आचारी मसाला, चटपटा मसाला, लेमन मसाला, और फिर सबसे एंड में आता है मेरा फेवरेट चिकन मसाला। ये चिकन मसाला इन फ्राइज को इतना टेस्टी बना देता है, इतना टेस्टी बना देता है, बस मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल करता है बार बार खाने आऊँ। इनका ये चिकन मसाला बहुत ही टेस्टी होता है। आपने चिकन मसाला काफ़ी सारे लिए होंगे जो पैकेट में मिलते हैं, लेकिन इस चिकन मसाला का टेस्ट सबसे डिफरेंट है। तो मैं जब भी यहाँ पर फ्राइज़ खाने आती हूँ, ये वाला मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में डलवाती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। साथ ही साथ आपको इनका एड्रेस गाइड करती चलूँ, ये नसीम नगर में है साईं फ्राइज, और थोड़ी ही दूर पर इनके लाड़काना बेकर्स है। तो जी, गर्मा गर्म और मसालेदार हमारे फ्राइज रेडी हो चुके हैं, तो अब हम आएंगे इनके सॉसेस की तरफ। तो जी, सॉसेस में ये जो डालते हैं, हमें मेयोनीज डाल के देते हैं, केचप डाल के देते हैं, और इनके पास एक अलग किस्म का एक रायता टाइप सॉस होती है, वो भी हमें ऐड करके देते हैं, जो बहुत ही टेस्टी होती है। 150 रुपीज़ में आपको और क्या चाहिए? इतने अच्छे फ्राइज, इतना अच्छा मसाला डाल रहे हैं ये लोग, और इतनी अच्छी सॉसेस वगैरह आपको दे रहे हैं। जी, हमारे साथ दो क्यूट कस्टमर हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि उनको फ्राइज कैसे लगे, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कस्टमर्स की तरफ। मोहम्मद, आपको फ्राइज कैसे लगे? अच्छे जी, बहुत ज़्यादा सही मसाला, केचप सही था, लेकिन जब ऑनर होता है ना तो बहुत अच्छी बनती है, जैसे कि शिराज भाई की तो बात ही अलग है। जी मोहम्मद, बताएं आपको फ्राइज कैसे लगे? अच्छे थे। जी, कस्टमर्स का भी यही कहना है कि यहाँ के फ्राइज में मज़ा तो है, लेकिन जो ऑनर बना के देते हैं उसमें टेस्ट ही अलग होता है। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।